दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर करके लेकर आए हैं राजस्थान और लखनऊ के बीच में जो आईपीएल का मैच नंबर 4 होने जा रहा है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। तो दोस्तों इस ग्राउंड में जनरली क्या होता है, स्पिन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और इस मैच में चाहे राजस्थान की टीम हो, चाहे लखनऊ की टीम हो, चाहे रवि बिश्नोई हो, चाहे युजवेंद्र चहल हो, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन को लेकर, क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े नाम हैं वो हमको सब फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे संजू सैमसन की बात करें तो इनको आउट करने वाले बॉलरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इनके चलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हमने 3 ऐसे खिलाड़ी निकाले हैं जो आपको स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो 71 करोड़ की लीग बनी है और इसमें जो 11 लोग 1-1 करोड़ रुपए विन करेंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 4 ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन निकाले हैं जिनका सब कुछ अच्छा है, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, जिनका वेन्यू रिकॉर्ड बढ़िया है, जिनका करंट फॉर्म बढ़िया है, जिनको आउट करने वाले कोई भी बॉलर नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको उन सभी खिलाड़ियों के बारे में सीन क्लियर कर दूंगा। अगर आप ये सभी पॉइंट देख लोगे तो ये सब पॉइंट देखने के बाद दोस्तों आप अपनी वीडियो में टीम वीडियो देखने के बाद अपनी टीम 1 मिनट के अंदर बना लोगे, फिर चाहे वो 1 करोड़ वाले रुपए के लिए हो या फिर स्मॉल लीग के लिए हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं इस मैच में हम लोगों ने आप लोगों के लिए निकाले हैं कुछ ऐसे प्लेयर जो हमारे लिए ग्रैंड लीग के लिए स्पेशल हैं और स्मॉल लीग में हमें उनको छूना नहीं है, स्मॉल लीग के लिए रॉन्ग पिक होंगे और स्मॉल लीग के लिए क्रीमी और सेफ प्लेयर भी आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया है। हर एक मैच की फाइनल अपडेट फाइनल टीम 11 टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया, बिल्कुल फ्री सेवा। मैच चाहे दिन में हो रात में हो आपको टीम मिलेगी। दोस्तों हमारे लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन बताऊं, उससे पहले ग्रैंड लीग वाले देखिए। दोस्तों आज के मैच में युजवेंद्र चहल, रियान पराग, इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांडे और पड्डीकल, ये दोनों नाम आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कर रहे होंगे, लेकिन अब जब आप इनका डाटा देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा। बटलर, जायसवाल, संजू सैमसन, नरेंद्र बरगर, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, ये हमारे राजस्थान की टीम से, राहुल, काइल मार्श, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, पड्डीकल, ये और नवीन उल्लाह और मोहसिन खान, इनका भी बहुत अच्छा करंट फॉर्म चल रहा है, तो ये हमारे लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ। रॉन्ग किक में हेटमायर को हम लोगों को सेकेंड इनिंग में नहीं ट्राई करना चाहिए, आयुष बदोनी को नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत है पूरन के साथ। दोस्तों पूरन इस मैच में मुझे फेल होने के चांसेस लग रहे हैं, क्यों आपको भी उसका कारण दिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पिच रिपोर्ट बताते हैं क्या है, लेकिन टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया तो करिए। सवाई मानसिंह स्टेडियम में टोटल जो एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 159 है, हाईएस्ट यहां पर 214 और लोएस्ट 59 बनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहले टोटल मैचों में 52 हुए और बाद में बैटिंग करने वाली टीमें ज़्यादा मुकाबले विन करती है। साथ में आप देखिए स्कोर कितना बन सकता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार 150 से 159 के बीच में स्कोर बना, 190 प्लस 8 बार, और जो 16 बार है वो 150 से कम स्कोर बना है। दोस्तों अगर हम लास्ट के 3 मैचों को सवाई मानसिंह स्टेडियम के उठाकर दिखाऊं आपको, तो देखिए 171-59, 214-217, 118, ये एक लो स्कोरिंग गेम हुआ है और इस लो स्कोरिंग गेम को इजीली विन कर लिया गया, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी थोड़ी। बाकी दोस्तों आपको बता दूं ये जो मैच है, जो तीनों मैचों का पूरा डाटा है, वो 13 स्पिनर को विकेट मिले, 18 फास्ट बॉलिंग को विकेट मिले, ये भी ध्यान रखना। इन दोनों टीमों के आपस में 3 हेड टू हेड मुकाबले हुए, उनमें से 2 राजस्थान रॉयल ने विन किए, उनमें से 1 मुकाबला ये रहा। दोस्तों इस मुकाबले में क्या हुआ था, केएल राहुल ने 39, काइल मार्श द्वारा, ये एकमात्र हेड टू हेड मैच है जिसमें इन्होंने 51 बनाया, स्टोइनिस द्वारा 2 विकेट, पूरन द्वारा 29 रन और नवीन उल्लाह रवि बिश्नोई को कोई सफलता नहीं मिली, ध्यान रखना। यशस्वी जायसवाल द्वारा 44, बटलर द्वारा 40, रियान पराग द्वारा 15 और रवि अश्विन द्वारा 2 और 1-1 विकेट ट्रेंट बोल्ट और इनके द्वारा निकाला गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको यहाँ से निकाल के दिखाएंगे सबसे पहले राजस्थान रॉयल के स्मॉल और ग्रैंड लीग के प्लेयर्स। लेकिन उससे पहले आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया है, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम
को ज्वाइन करिए। दोस्तों राजस्थान के वो खिलाड़ी जो लास्ट सीजन अच्छा किए थे उनमें से युजवेंद्र चहल का नाम है जिन्होंने 14 मैचों में 21 विकेट लिए थे, उनमें से हिटमायर का नाम है जिन्होंने 14 मैचों में 300 रन बनाए थे, और जिनमें दोस्तों संजू सैमसन का नाम है जिनका 14 मैचों में 362 रन था, यशस्वी जायसवाल का नाम है जिन्होंने 14 मैचों में 625 रन 48 के एवरेज से, और बटलर ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 खिलाड़ी चले थे, बाकी ट्रेंट बोल्ट का भी ठीक ठाक रिकॉर्ड था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तब कौन कौन चलता है, तब ट्रेंट बोल्ट उधर 10 मैचों में 13 विकेट, इधर 3 मैचों में 5 विकेट। युजवेंद्र चहल भी उधर चले थे लास्ट सीजन और इधर इस टीम के सामने भी चलते हैं। हिटमायर भी यहाँ पर एवरेज हैं और यशस्वी जायसवाल उधर लास्ट सीजन बहुत अच्छा किए थे, इस टीम के सामने भी बढ़िया करते हैं। बटलर थोड़ा गड़बड़ है इस टीम के सामने, 3 मैचों में 55 है और गड़बड़ संजू भी है, ये एक रीजन रहा संजू को सीबीसी ना बनाने का। आगे बढ़ते हैं, जब इस ग्राउंड की हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों इस ग्राउंड में दोस्तों युजवेंद्र चहल 7 मैचों में 7 विकेट, 2 जगह अच्छे हैं 1 जगह एवरेज, तो कंफर्म अच्छा है ये, ठीक है। संदीप शर्मा छोड़िए, बोल्ट देख लीजिए इस ग्राउंड में उतना अच्छा नहीं है, नरेंद्र बर्गर का तो पहला साल है। अश्विन की बात करूं 10 मैचों में 9 विकेट उनके भी हैं, ध्रुव जुरेल भी उतने अच्छे नहीं है। हिटमायर का रिकॉर्ड देखिए 6 मैचों में 10, इसलिए गड़बड़ है ये, और सेकेंड इनिंग में बैटिंग आ जाए तो कन्फर्म छोड़ देना। रियान पराग 6 मैचों में 82 रन, ये चीज़ छोड़िए, रियान पराग को जीएल स्पेशल बताने का कारण कुछ और है, वो अभी दिखाऊंगा। संजू सैमसन 28 का एवरेज रखते हैं, यशस्वी जायसवाल 34 का एवरेज, और बटलर, ये 3 खिलाड़ियों में संजू सिर्फ हेड टू हेड रिकॉर्ड में बढ़िया है, बाकी ये तीनों जगह बढ़िया हैं। अब हम इन लोगों की करेंट फॉर्म को देखते हैं, किस कौन कौन बढ़िया है, उसी हिसाब से हम फाइनल करते चलेंगे। दोस्तों अगर हम बटलर की बात करें तो करंट फॉर्म एवरेज है और जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए कंफर्म नाम है। यशस्वी जायसवाल आंख मूंद कर लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। संजू सैमसन हेड टू हेड रिकॉर्ड में वीक है लेकिन करंट फॉर्म में बहुत अच्छे हैं, इनको भी लीजिए। रियान पराग को जीएल स्पेशल बताने का कारण 32-0, 8-0, 12-0, 50-57+1, 50+2, ये कुछ अच्छी इनिंग्स हैं जो इनको जीएल स्पेशल बनाने के लिए हमें बोल रही हैं। हेटमायर की बात करें तो इनका भी करंट फॉर्म कई जगह ठीक है, लेकिन जो रिकॉर्ड वगैरह वो उतने अच्छे नहीं हैं। ध्रुव जुरेल का करंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन दोस्तों बैटिंग ऑर्डर अगर सेकेंड इनिंग में रहा तो हमारे लिए उतने कारगर ये नहीं रहने वाले हैं। तो इधर से दोस्तों हमारे पास यही 3 खिलाड़ी लेने वाले हैं। बात आगे बढ़ती है और बॉलर कौन कौन से लेने हैं, तो अश्विन का दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है और चहल का भी नहीं, लेकिन चहल का करंट फॉर्म, अश्विन का करंट फॉर्म दोनों का बढ़िया है, इसलिए अगर आपको मौका लगे तो दोनों को ले लेना। संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, नरेंद्र बर्गर, नरेंद्र बर्गर का करंट फॉर्म, ट्रेंट बोल्ट का करंट फॉर्म और संदीप शर्मा का करंट फॉर्म, तीनों का गजब का करंट फॉर्म है, लेकिन नरेंद्र बर्गर का ना हेड टू हेड रिकॉर्ड ना वेन्यू रिकॉर्ड, तो उसके हिसाब से हम ऐसा तो नहीं कर सकते इनको छोड़ दें, तो नरेंद्र बर्गर को भी स्मॉल लीग की लिस्ट में रखेंगे। रही बात ट्रेंट बोल्ट की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में ये भी काफ़ी बढ़िया है, लास्ट सीजन भी अच्छा किए थे, तो संदीप शर्मा और ट्रेंट बोल्ट का डिसीजन उस हिसाब से होगा। अगर पहले इनिंग में बॉलिंग रहेगी तो इन दोनों को लेंगे, वरना चहल और नरेंद्र बर्गर हमारे लिए ठीक रहेंगे और ट्रेंट बोल्ट हम सेकेंड इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों बॉलिंग इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो ट्रेंट बोल्ट, नरेंद्र बर्गर, संदीप शर्मा, रवि अश्विन और युजवेंद्र चहल, ये लोग बॉलिंग डाल सकते हैं, पार्ट टाइम में रियान पराग वगैरह भी डाल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट, नरेंद्र बर्गर, संदीप शर्मा स्टार्टिंग में, संदीप शर्मा, नरेंद्र बर्गर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, ये लोग डेथ में बॉलिंग डालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होती है बेंच और बैटल। तो देखिए बेंच में से नवदीप सैनी हुए और इसके अलावा टॉम कोलर, कोडमैन, रोमन पोवेल, इतने लोग जगह बना सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब देखिए बैटल, दोस्तों अगर हम बटलर की बात करें तो अमित मिश्रा के सामने थोड़ा सा वीक हैं, बाकी ये वीकनेस नहीं कहेंगे, और मार्कस स्टोनिस के सामने 55 बॉल में 3 बार आउट हुए हैं, 55 बॉल बहुत होती हैं। यशस्वी जायसवाल वीक हैं मार्कस स्टोनिस के सामने, आयुष बदोनी कोई पार्ट टाइमर है वो नहीं उतना, और मावी, संजू का दिक्कत है मावी के सामने भयंकर वाला, और भयंकर वाला मार्कस स्टोनिस के सामने भी दिक्कत है, अमित मिश्रा के सामने थोड़ा कर जाते हैं, लेकिन 19 बॉल में ये देखिए 8 रन बनाए, कौन सा अच्छा है। रियान पराग की बात करूं तो ये रवि बिश्नोई इनको भी आउट किए, तो रवि बिश्नोई भी खतरा बने हुए हैं इन लोगों के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें इनके बॉलर कौन कौन ज़्यादा गुच्छे में विकेट ले रहे हैं, तो देखिए गुच्छे की बात करूँ तो यूजी चहल, काइल मार्श को, ट्रेंट बोल्ट के राहुल को और निकोलस पूरन को, आर अश्विन और नवदीप सैनी और आवेश खान, और कुणाल पांड्या को,
यूजी चहल और मार्कस स्टोइनिस को ट्रेंट बोल्ट दो बार, तो यही हमने बॉलर भी सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हैं अब जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उसके स्मॉल और ग्रैंड लीग के प्लेयर्स। तो लखनऊ के लास्ट सीजन अच्छे करने वाले प्लेयर्स में दोस्तों शामिल हैं यश ठाकुर, इन्होंने 9 मैचों में 13, रवि बिश्नोई ने भी लिए थे विकेट, नवीन उलक ने 8 मैचों में 11 और मार्कस स्टोइनिस ने 15 मैचों में 408+5 विकेट। कुणाल पांड्या का एवरेज था, निकोलस पूरन ठीक थे, 29 का एवरेज था इनका, पड्डिकल एवरेज थे, काइल मार्श 13 मैचों में 29 और 0 विकेट था, केएल राहुल 34 का एवरेज। बुरा सीजन था इनके लिए, वैसे ये 500 प्लस हर सीजन में बनाते हैं दोस्तों। तो ये तो रही लास्ट सीजन की बात, अगर हम देखें जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तब देखिए रवि बिश्नोई का बहुत ज़्यादा गड़बड़ है मामला। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस की बात करूँ तो 29 के एवरेज के साथ 208 रन, कुणाल पांड्या का गड़बड़ है, निकोलस पूरन का गड़बड़ है, रिकॉर्ड देखिए दो जगह गड़बड़ हो गया, पड्डिकल का अच्छा रिकॉर्ड है 101 हाईएस्ट इन्हीं के सामने है, काइल मार्श का एक मैच है 51 और ये देखिए ये तीन खिलाड़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। पड्डिकल को हमने इसीलिए जीएल स्पेशल बताया है और रियान प्राग को भी इसीलिए बताया है दोस्तों, जब ये ग्राउंड में खेलते हैं इनके प्लेयर्स तब कौन कौन चलता है। तब देखिए स्टोइनिस गड़बड़, कुणाल पांड्या गड़बड़ और निकोलस पूरन गड़बड़ और डेविडर पड्डिकल ठीक, मतलब गड़बड़ ये भी हैं, काइल मार्श ठीक है, राहुल ठीक है, बाकी सब गड़बड़ हैं। तो दोस्तों तीन खिलाड़ी, एक काइल मार्श एक राहुल, दो सही हैं, बाकी इस ग्राउंड में कोई बढ़िया नहीं है ठीक है। अब बात आती है लेना कौन कौन सा प्लेयर है, तो केएल राहुल हुए ये तो कंफर्म है, इनका फॉर्म देख लीजिए, इनका सब कुछ बढ़िया। काइल मार्श इस ग्राउंड में इस टीम के सामने एक मैच खेले अच्छा किए, करंट फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये भी फाइनल है हमारे। हाँ अभी मैं आपको बताऊंगा इनको किन किन कंडीशंस में लेना है। पड्डिकल का फॉर्म देखिए आप, और ये फॉर्म के होते हुए हम इनको स्मॉल लीग का भी ऑप्शन मानकर चल रहे हैं। पूरन ये 14-57-36, लेकिन इनका बैटल आपको दिखाएंगे तो अब आपको गड़बड़ लगेगा। और इसके अलावा दोस्तों करंट फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड सब में वीक हैं। कुणाल पांड्या देखिए जीएल जैकपॉट पिक होने वाला, ये और ये दोनों ही प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुणाल भी स्मॉल लीग की लिस्ट में रहेंगे और ये भी रहेंगे स्मॉल लीग की लिस्ट में। देखिए करंट फॉर्म कितना गजब का चल रहा है, हालांकि और जगह वीक हैं, करंट फॉर्म को देखते हुए हम लोग इनको फाइनल करके चल रहे हैं। और आयुष बदोनी का भी बॉलिंग पर्पज से रिकॉर्ड बढ़िया, लेकिन यहाँ पर इनको बॉलिंग मिलने के चांसेस कम रहेंगे। नवीन उलक 3 विकेट 2 विकेट बीच में नहीं विकेट, यश ठाकुर 0-0 2 विकेट 3 विकेट, रवि बिश्नोई 0 विकेट 2 विकेट, यहाँ पर बैटल में अच्छे हैं। मोहसिन खान ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दोस्तों स्मॉल लीग में जरूरत पड़ी तो मोहसिन खान को ट्राई करेंगे, रवि बिश्नोई को ट्राई कर सकते हो, नवीन उलक को ट्राई करेंगे। और इनके स्मॉल लीग वाले ऊपर वाले बैट्समैनों में आपको समझ में आ गया स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, डेविड पड्डिकल, काइल मार्श और राहुल। पूरन का थोड़ा गड़बड़ है, अभी आपको बताऊंगा क्यों। देखिए इनकी टीम से नंबर ऑफ ओवर में मोहसिन खान, नवीन उलक, यश ठाकुर, कुणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, काइल मार्श, रवि बिश्नोई, इतने लोग बॉलिंग डाल सकते हैं। उसमें मोहसिन, नवीन उलक और कुणाल पांड्या स्टार्टिंग में, मार्कस स्टोइनिस, यश ठाकुर, नवीन उलक ये लोग बेंच में। अब सुनिए दोस्तों यहां से आपको बता दूं, बेंच में से आपके लिए मावी आ सकते हैं, आपके लिए समर जोसेफ को भी, अभी तो नहीं लेकिन ज्यादा जल्दी हो जाएगा, दीपक हुड्डा, डीकॉक, ये काइल मार्श में थोड़ा गड़बड़ पेल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मेरी समझ में पहले काइल मार्श को मौका मिलेगा, इनकी फॉर्म को देखते हुए, इनकी फॉर्म थोड़ी गड़बड़ है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब देखिए बैटल में दोस्तों, हमने आपको बताया पूरन के बारे में, तो देखिए पूरन 23 बॉल में 3 बार, 30 बॉल में 2 बार, रवि बिश्नोई 33 बॉल में 3 बार, 6 बॉल में ट्रेंट बोल्ट ने चलता किया, 12 बॉल में संदीप शर्मा ने, यूजी चहल ने 60 बॉल, इनका सिर्फ रिकॉर्ड अच्छा है यूजी चहल के सामने, बाकी सब जगह गड़बड़ है। और इनके बैट्समैनों में राहुल बहुत साफ हैं प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं, इनको यूजी चहल के सामने थोड़ा सा दिक्कत है, और थोड़ी दिक्कत है रोबिन पोवेल के सामने भी, क्योंकि ये एक ही देश के पड़ जाते हैं। और पड्डिकल का माइनस पॉइंट है सबके, लेकिन इनकी करंट फॉर्म को देखते हुए एक एक वाला हम नहीं जोड़ेंगे, जो दो बार आउट किए होता है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है, और एक बार ट्रेंट बोल्ट ने, दो बार इन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट किया है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, उसके बाद फाइनल टीम 11 टीम। अगर हम देखें इनके जो बॉलर हैं उन्होंने गुच्छों में, देखिए गुच्छों में लिए मार्कस स्टोइनिस ने और अमित मिश्रा अभी पता नहीं खेलेंगे कि नहीं, 5 शिवम मावी और ये, और 2 बार रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई वैसे भी हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं दोस्तों। अब हम आपको कैप्टन वाइस कैप्टन और फाइनल टीम 11 टीम,
जायसवाल, राहुल और बटलर, इसमें हमारा ये फर्स्ट चॉइस रहेगा। और अगर हम बात करें बटलर की तो एज ए मतलब प्लेयर लेकर चलिए, दिक्कतें हैं कई जगह। देखिए स्टोइनिस, पर्डिकल, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, ये ग्रांड लीग के लिए स्पेशल प्लेयर। चलिए आप ड्रीम इलेवन टीम का डिस्कशन करते हैं और यहाँ से वीडियो को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, पूरा समझना होगा। हमने विकेट कीपर सेक्शन से दोस्तों बटलर को लिया, राहुल को लिया और हमने आपको तीन ऑप्शन दिए, संजू, डीकॉक, पूरन। हमने आपको दिखाया संजू का गड़बड़ है, प्लेयर बैटल में कई जगह गड़बड़ है, संजू का वेन्यू रिकॉर्ड में नहीं, हेड टू हेड थोड़ा ठीक है, लेकिन दोस्तों संजू आप किन कंडीशन, देखिए अगर काइल मार्श खेलेंगे तो डीकॉक नहीं खेलेंगे, डीकॉक खेलेंगे तो काइल मार्श नहीं खेलेंगे, अगर काइल मार्श नहीं खेलते हैं तो डीकॉक मतलब खेलेंगे, फिर डीकॉक का करेंट फॉर्म अच्छा नहीं है तो उनको हम लेंगे नहीं, फिर हमारे लिए संजू फाइनल हो जाएंगे। पूरन को हम लोग वैसे भी नहीं लेंगे, सिर्फ ये युजवेंद्र चहल के सामने आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वैसे काइल मार्श, डेविड पड्डिकल, यशस्वी जायसवाल, ये तीन बैटिंग सेक्शन से लिए हैं, बाकी मेरी समझ में बैटिंग सेक्शन में आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और जैसे कि आप देखिए ये सब ऑलराउंडर में काइल मार्श, राहुल हैं वो हमने लिए ही हैं, पड्डिकल लिए ही हैं, इधर से संजू हैं वो विकेट कीपर सेक्शन में, जायसवाल, बटलर, रियान प्राग, हेटमायर, हेटमायर थोड़ा नीचे पहुंच जाते हैं तो हेटमायर को वैसे भी नहीं लेना, ध्रुव जुरेल वगैरह हैं, रविचंद्र, अश्विन दोस्तों और मार्कस स्टोइनिस और कुणाल पांड्या, ये तीन बॉलर हमने लिए हैं। अब इनमें से आप बदलाव क्या क्या कर सकते हो, कुणाल पांड्या के अगर आपको लगता है कि ये विकेट नहीं ले, देखो चार ओवर पूरे डालेंगे कुणाल पांड्या, ये मान के चलिए कुणाल पांड्या और अश्विन, इनके पास ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास ऑप्शन में कौन कौन है, बदोनी आप लोगे नहीं, इधर से बदोनी के अलावा रियान प्राग आप कुणाल पांड्या के एवज में नहीं लेना पसंद करोगे, तो ये दो ऑप्शन खत्म होते हैं। युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, नवीन उलग, ये तीन बॉलर लिए हमने। अगर आपको रवि बिश्नोई ट्राई करना है तो या तो आप अश्विन की जगह ट्राई कर लीजिए रवि बिश्नोई को, ठीक है, कुणाल पांड्या मतलब रिलाई नहीं करेंगे, और नवीन उलग की जगह मोहसिन खान को ट्राई करो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो नवीन उलग की जगह मोहसिन खान को ले लो क्योंकि इनका करेंट फॉर्म बढ़िया है, तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यश ठाकुर की बात करूँ तो उनको अभी ठीक फॉर्म है, संदीप शर्मा हुए, नरेंद्र बर्गर हुए, इनमें से नरेंद्र बर्गर का फॉर्म बहुत अच्छा है तो ट्रेंट बोल्ट की बजाय नरेंद्र बर्गर को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग हुई। वैसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वो भी हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ये भी हैं, तो आपकी इच्छा, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।